कुकर का सब्जी हमको पसंद था नहीं पहले, क्योंकि हमको आता नहीं था। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इसका सीटी हमको नहीं लगाना है, बिना प्याज लहसुन का है और कम मसाला वाला है। हेलो फ्रेंड, तो मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ आलू परवल का सब्जी, जो कि कुकर में बनाऊंगी। और सभी को जय श्री माता जी। तो चलिए सब्जी बनाते हैं। ज़्यादातर सब्जी जो है कुकर में नहीं, हाँ कुकर में नहीं, कढ़ाई में ज़्यादातर हम बनाते हैं, लेकिन परवल आलू का सब्जी हम पहली बार क्या नाम है कुकर में बना रहे हैं। लेकिन हम सीटी नहीं लगाएंगे, सीटी लगाएंगे तो ये पूरा गल जाएगा और टेस्ट भी इसमें नहीं आएगा। मैं जया, जय रानी, बोलो। इसमें डाले हैं थोड़ा सा हींग, हमको अच्छा लगता है हींग, तो चलिए डालते हैं। और जल्दी से पक जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल रहे हैं स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा हल्दी। इसको जो है अच्छा से भूनेंगे पहले, इसके बाद जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इसके बाद है उन्हें धनिया खाए उन्हें खाना इच्छा होता है धुना पता ना। तो यहाँ पर जीरा पाउडर और ये रहा रेड चिली पाउडर, ये जो है डाले हैं। रेड चिली पाउडर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है खाना, फिर भी दे दिए हैं, कभी कभार जल भी जाता है। और यहाँ पे मसाला जल नहीं जाए इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर परवल आलू को जो है अच्छा से फ्राई कर लिए हैं, अभी इसमें पानी डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा कम ही डालेंगे, क्योंकि कुकर में बना रहे हैं इसलिए। थोड़ा सा और डाल देते हैं बस। तो यहाँ पे बन चुका है परवल आलू का सब्जी, और आलू भी अच्छे से पक गया है, और थोड़ा बड़ा ही हम आलू रखे थे, और हमको इतना सा तो ग्रेवी चाहिए ही है, पूरा अगर सूख जाता तो अच्छा भी नहीं लगता। कुछ देर रहने देते हैं कुकर में ही। सब्जी जो है ठंडा हो चुका है थोड़ा सा, और ये देखिए ग्रेवी भी है थोड़ा थोड़ा, और जब गर्म था मतलब जब हम बना रहे थे कितना सारा पानी था, और अभी जो है ठंडा होने के बाद, पूरा ठंडा नहीं हुआ है, हल्का हल्का गर्म भी है, तो देखिए धुआं भी निकल रहा है। तो देखिए लग नहीं रहा है कि हम कुकर में बनाए हैं, क्योंकि कुकर का सब्जी हमको पसंद था नहीं पहले, क्योंकि हमको आता नहीं था। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इसका सीटी हमको नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पर अभी कितना अच्छा से बन भी गया, और हमको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और बिजली का भी बचत हुआ, गैस का भी बचत हुआ, जिसमें भी हम खाना बना रहे हैं कुछ इसका तो बचत हुआ ही है। तो यहाँ पर जो है बन चुका है, बिना प्याज लहसुन का है और कम मसाला वाला है। तो चलिए फिर जल्दी ही दूसरा रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।